बताओ नमस्कार, कैसे है? सुनो मैं कह रहा हूँ, ये इन दोनों हाथों के बीच में क्या डाल रहा हूँ, एक सेकंड में छूट जाओ, बस बताओ। दिखाओ लाइसेंस, दिखाओ। जयपुर कॉलिंग, जयपुर कॉलिंग। सुबह 7 बजे मैं तभी उठ पाता हूँ जब मुझे ट्रैवल करना होता है, और आज वो दिन आ चुका है बड़े दिनों बाद जब मैं सुबह उठा हूँ खुशी खुशी, क्योंकि हम जा रहे हैं ऑन द न्यू मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और जा रहे हैं जयपुर की तरफ। क्यों जा रहे हैं? बिकॉज हमें खाना था, ब्रेकफास्ट करना था वहाँ पर जाके। तो आज का प्लान ये है, आज है बेसिकली सैटरडे एंड आज हम जाएंगे ऑन दिस अमेजिंग हाईवे जो खुला है 2 हफ्ते पहले, और आपको दिखाते रहेंगे कि ये हाईवे कैसा है और आपको कितना टाइम लगता है पहुँचने में जयपुर। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिएगा, बिकॉज आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो जी बेसिकली हम अपना सोना रोड से इस हाईवे पे चढ़ चुके हैं जो कि है न्यू हाईवे। अगर आप देखें वाला बोर्ड तो उसमें लिखा हुआ है सोना है 13 किलोमीटर, एंड उसके बाद ये रास्ता कट जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट एंड वहाँ से हम जाएंगे दौसा। दौसा आता है जयपुर के पास, और उसके बाद ये स्टार्ट होगा एक्सप्रेस वे जो कि है 8 लेन। तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप देख ही सकते हैं कि रोड्स किस हिसाब से खाली हैं एंड सुबह का वक्त हो रहा है। चलो आपको घुमाते हैं आज जयपुर। ये गलती हमसे ये हो गई है कि हमने डीजल नहीं लिया है, और गाड़ी दिखा रही कि चलेगी 235 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर मैंने स्पीड ज़्यादा करी गाड़ी की तो वो ऑब्वियसली एवरेज कम होएगा और मैं पहुँचूँगा थोड़ा, पेट्रोल ख़त्म हो सकता है इस गाड़ी का। सो ट्राई कर, डीजल है भाई, मतलब आदत है ना बचपन की पेट्रोल गाड़ी थी पहले। तो एनीवेज अब ढूंढते हैं डीजल कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रिस्क ले लेंगे भाई, है ना? बात नहीं, देखते हैं। आपने से किसी को पता हो कहाँ मिलेगा तो बताते रहिए रास्ते में। गाइस पंप मिल चुका है और बिल्कुल टोल के जस्ट बाद मिल गया है कि आराम से यहाँ से भरवा लो, उसके बाद निकल लो जयपुर। और ये बोर्ड आप देखो जिसमें लिखा हुआ है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे, जो कि आगे से हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा और जाना पड़ेगा टूवर्ड्स दैट एक्सप्रेस वे। अभी वाओ, व्हाट अ एक्सप्रेस वे। इसकी आप लेयर्स गिन लो बस, कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेयर्स दिख रही है फिलहाल तो उसके ऊपर। सामने चमक रहा है सूरज और हम चल रहे हैं इस नए एक्सप्रेस वे पहली बार, न्यू एक्सप्रेस वे पहली बार चल रहे हैं, एंड आई होप ये जल्दी खुल जाए बिकॉज फिर हम पहुंचेंगे बॉम्बे, उसके बाद गोवा हर सेकेंड महीने में। एक्सप्रेस वे चालू हुआ नहीं कि टोल पहले आ जाते हैं। तो भाई ये है पहला टोल इस एक्सप्रेस वे का, देखते हैं कितना इस पर लेते हैं ये लोग, कितना कटता है फ्रॉम द फास्टैग, और बताते हैं आपको। जिन जिन भाई लोग को पता नहीं फास्टैग कैसे काम करता है, वो ऐसे है कि मैं बस पास आता हूँ और ये खुल जाता है, इसलिए ये फास्ट बोला जाता है। सो गाइस अभी गाड़ी चल रही है क्रूज कंट्रोल पे, और ये अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, विच मीन्स कि अगर कोई सामने गाड़ी आएगी तो ये अपने आप ब्रेक मारेगी, मेरे पैर ब्रेक पे नहीं है। लेकिन ये मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हाउ डज अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वर्क्स इन एक्सयूवी। तो पॉइंट ये है कि जैसे सामने गाड़ी आ रही है ये वाली अपनी ब्लू वाली, तो मैंने मेरे पैर यहाँ पे लेके, देखो अभी स्पीड अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब मैं अगर लेन चेंज करता हूँ ऐसे करके, तो अपने आप ही अब स्पीड इसकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पैर देख लो अभी भी नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड 160 पे आके कॉन्स्टेंट हो जाएगी बिकॉज वो मेरा क्रूज कंट्रोल का सेटअप था उस टाइम का। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं AX7 में, XUV700 के अंदर, एंड इसके अलावा अब आपको मैं सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो नीचे एक बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा दो प्लीज, है ना, उससे प्रोत्साहन मिलता है। सो गाइस 60 मिनट और 140 किलोमीटर ये ट्रेंडिंग हो रहा है इस टाइम पे। सुनने में अजीब लगता है कि 60 मिनट में कैसे 140 बंदा चल सकता है, वो भी इंडिया में, लेकिन नहीं, इंडिया बदल रहा है एंड हाईवेज बहुत बढ़िया अच्छे बन रहे हैं हाईवेज टाइम पे। गडकरी जी ने जो करा है ना इस हाईवे के साथ, मतलब 100 चुम्बियाँ उनको, है ना, मतलब 60 मिनट में 140 किलोमीटर हम आ चुके हैं और अगले आधे पौन घंटे में हम जयपुर टच कर जाएंगे, विच इज़ इनक्रेडिबल। रास्ते बहुत बढ़िया हो चुके हैं, डिस्टेंसेस पास हो चुके हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज अगले साल हम गोवा पहुंच जाएंगे विद इन 24 आवर्स, जो कि लगता था एटलीस्ट 48 आवर्स। वी विल से वन डे टू रीच गोवा फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। और ये देखो आप नज़ारा, पहाड़ चालू हो चुके हैं हाईवे पे, ये राजस्थान का एरिया है पूरा। जयपुर इज
104 दिखा रहा है और पहाड़ साइड में आप देख सकते हो सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो काफी अच्छा हाईवे बना रखा है। और सबसे अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि जानवर पास करने के लिए इनके पास ऑलमोस्ट 300 हाईवेज हैं, 300 क्या बोलते हैं उसको, फ्लाईओवर है, तो जानवर रोड पे कभी नहीं आएगा, विच इज वेरी गुड। नहीं तो फिर क्या होता ना, एक्सप्लोर द अनसीन में क्या होता आपको सबको पता है, तो वो सब अवॉइड हो जाएगा इस हाईवे पे। सो गाइस, जयपुर का कट आ चुका है और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, और अगर हम आगे जाएंगे तो बॉम्बे का वाला रास्ता आता है, बट अभी वो आगे बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं, बिकॉज अब पूरा रास्ता खुला नहीं है अभी। सो अब हम ले चुके हैं डाइवर्जन टुवर्ड्स जयपुर, ये घुमा के हमें लेके जाएगा उस रोड पे जो कि है दौसा। एंड अब बात है, दो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दोनों का भी साथ हो रहे हैं, तो पॉइंट है कि दौसा से हम जयपुर पहुंच जाएंगे इन नेक्स्ट आई थिंक 30-40 मिनट्स, एंड वहां पहुंच के आपसे मिलते हैं। और जब भी आप कोई डाइवर्जन लोगे, सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, टोल। और टोल यहाँ होगा महंगा, बिकॉज जितना हमने डिस्टेंस कवर करा है वहां से यहाँ तक का, वो पूरा लेके चला जाएगा। तो गाइस टोल कट चुका है एंड अब हम आ चुके हैं नॉर्मल रास्ते पे, जो कि आई थिंक सिंगल रोड होएगा आगे जाके, एंड चलेंगे बिल्कुल आराम आराम से यहाँ पे और पहुंच जाएंगे जयपुर। बताओ कैसे है? सुनो, मैं कह रहा हूँ ये इन दोनों हाथों के बीच में क्या डाल रहा हूँ, एक सेकंड में छूट जाओ, बस बताओ, दिखाओ लाइसेंस दिखाओ। तो गाइस जयपुर है सिर्फ 5 किलोमीटर, इनफैक्ट हम पहुंच चुके हैं जयपुर, आउटस्कर्ट्स में है, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपना टपरी सेंट्रल। वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, काफ़ी पॉपुलर जगह है, सुबह खुल जाती है, एंड आपको वहाँ लेके चलते हैं टपरी सेंट्रल पे। गाइस ये है बहुत ही ज़्यादा फेमस टनल, जो कि आपको डायरेक्ट जयपुर पहुँचा देगा सारे पहाड़ को, पहाड़ों को काट के। भाई काफ़ी लंबा टनल है जो मैं सुनने में आया था, आज पहली बार एंटर कर रहा हूँ उसको अपने 33 साल की ज़िंदगी में, 33 इयर्स हो चुके हैं, पहली बार टनल के अंदर हूँ, एंड दिस इज लुक सो ऑसम। सो गाइस टपरी आ चुके हैं और लेट्स गो इनसाइड, थर्ड फ्लोर ऊपर है वाटर कैफे। तो गाइस ये है बन मस्का जो आया हुआ है, और साथ में आ रखी है इडली, इडली का तब दिखाऊंगा जब ये हाथ हटेगा। हाँ तो ये इडली, ये बन मस्का, और बाकी सामान जब आएगा आपको दिखा। तो गाइस आफ्टर गुड ब्रेकफास्ट हम जा रहे हैं रावत कचौड़ी के पास, बिकॉज वहाँ से कुछ कचौड़ियाँ खानी है और पैक करानी है कुछ स्पेशल लोगों के लिए, सो लेट्स गो। अब आ चुके हैं रावत कचौड़ी, फेमस लैंडमार्क है जयपुर का, यहाँ आपको दिखाते हैं कैसी है कचौड़ी इनकी। गाइस भीड़ देख लो, मतलब इस लेवल की भीड़ है यहाँ पे, लोग खा रहे हैं, पैक करा रहे हैं, कोरियर में लेके जाएंगे, सारे शहरों में पहुँची गई रावत कचौड़ी, और मैं भी पैक करा रहा हूँ किसी स्पेशल बंदे के लिए। प्याज की कचौड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है। सो गाइस ले लिया है कचौड़ी और अब निकल रहे हैं लस्सी पीने के लिए MI रोड पे, लस्सी वाले के पास। अगर वहाँ पहुँच पाएंगे तो वहाँ लस्सी पी लेते हैं, बिकॉज आई थिंक वहाँ वन वे होता है, तो वो चेक करना पड़ेगा। अब जो भी है ट्राई करते हैं, पी पाएंगे तो पी पाएंगे तो दिखा देंगे, नहीं पी पाएंगे तो नहीं पियेंगे तो नहीं दिखाएंगे, है ना। चलो लेट्स गो। बोलो बोलो, पावर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन सा सर्च करके आए आपके पास। सो गाइस ये वो लस्सी है जो कि है लस्सी वाले की, MI रोड में मिलती है ये जयपुर के अंदर। भाई साहब क्या कुछ पैसे दे तो इनको भी कुछ खुश करते हैं, फिलहाल लस्सी पीते हैं और एंजॉय करते हैं उसको। सो गाइस ऑन द वे बैक हम वापस जा रहे हैं अपना गुड़गांव की तरफ, बोट्स आ चुके हैं, दिल्ली लेफ्ट में है, तो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और पहुँचेंगे अपना मुंबई एक्सप्रेस वे, और अगले 90 मिनट के अंदर वापस गुड़गांव पहुँचेंगे जयपुर से। तो गाइस 2:40 है दिल्ली,
और गुड़गांव होगा उस हिसाब से अराउंड 200 किलोमीटर्स, जो कि हम कवर करेंगे मात्र 90 मिनट में। आराम आराम स्पीड में चलेंगे, स्लो स्लो, और पहुंच जाएंगे डेढ़ घंटे में 200 किलोमीटर। क्या बढ़िया एक्सप्रेस वे है ये, मतलब आप देख सकते हो कि कोई ट्रैफिक नहीं है, एंड जयपुर डेढ़ घंटे में। और अभी गाड़ी दी है भाई को चलाने के लिए थोड़ा सा, तो भी फील ले ले कि क्या फन आता है ऑन दिस हाईवे इन दिस गाड़ी। तो बस चलते हैं, पहुंच जाएंगे एक घंटे में पूरा। कौन कहेगा कि ये इंडिया है, लेकिन सच्ची में बिल्कुल इंडिया है। इंडिया भी अब बिल्कुल कम नहीं किसी भी एक फॉरेन डेवलप्ड कंट्री से। क्या नज़ारे हैं, कितना बढ़िया दिख रहा है, वाओ सुपर्ब है। सो गाइस, घर पहुंच चुके हैं, वो हमारा घर है वहां पे, अभी दिखेगा तो आपको दिखाता हूं। बट ओवरऑल व्हाट एन अमेजिंग ड्राइव, और हमें सिर्फ लगा है नॉट इवन डेढ़ घंटा टू रीच अपना गुड़गांव फ्रॉम द एक्सप्रेसवे। तो बहुत ही आसान हो गया जयपुर जाना, अब आप कभी भी जा सकते हैं, कुछ भी चाहिए, घूमना फिरना हो, पार्टी करनी हो, तो एक नया डेस्टिनेशन मिल गया हमें विच इज़ जयपुर। तो जयपुर के बाद गुड़गांव आ चुके हैं, बिल्डिंग्स आप देख ही रहे हो गुड़गांव की जो स्टार्ट हो चुकी हैं सारे स्क्राइपर्स। एंड हमारा घर जो है वो है कहाँ पे, अभी आता है तो आपको दिखाता हूँ। तो जी ये हमारा घर का बिल्डिंग है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो वाइट बिल्डिंग है ना ये वाली, इसमें आप देख सकते हो मुझे यहाँ से अपना एसी भी दिख रहा है किसी एक रूम का। एंड दिस इज हाउ फार एंड हाउ क्लोज इज दिस एक्सप्रेसवे फ्रॉम आवर हाउस। तो वाओ, अब हम लेंगे यू टर्न यहाँ से, घर पहुँच जाएंगे, एंड दिस व्लॉग करेंगे यहीं पे एंड। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल एक बहुत ही बढ़िया व्लॉग में, जो कि आएगा अबाउट गैंग ऑफ थार्स। बाय।